Students, owing to the COVID-19 pandemic, Martha Meyer Secondary School Indore takes pleasure of commencing the online classes for you. The lockdown situation has had an adverse impact on teaching learning process. So without hampering it further, let's begin our online classes for your academic benefit. You are advised to revise the content thoroughly and solve the worksheet provided properly. Dear students, as it is written in the Holy Scripture, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. I convey my best wishes and prayer for the upcoming session. Dear students, take care of your health and stay safe. May God bless us all. Thank you. Hello students, मेरा नाम संगीता आइजक है. मैं हिंदी शिक्षिका हूँ. आज हम संज्ञा के विषय में पढ़ने जा रहे हैं. कक्षा छठवीं के छात्रों को आज मैं संज्ञा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ. तो बच्चों, जैसा कि हम सभी अपने आसपास के वातावरण में सजीवों तथा निर्जीवों को देखते हैं, इन सभी सजीवों और निर्जीवों के हमने कुछ न कुछ नाम रखे हैं. यही नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं. यहाँ तक कि इस रूम में भी, इस कक्षा के कमरे में भी हमें अनेक चीजें जिन्हें दिखाई देती हैं, जैसे पंखा, खिड़की, दरवाजा, ब्लैक बोर्ड, चौक आदि. तो इन सभी के क्योंकि हमने नाम रखे हैं, इसीलिए ये नाम वाले शब्द भी संज्ञा कहलाते हैं. बच्चों, संज्ञा शब्दों की शुरुआत कैसे हुई होगी? आदिमानव, प्राचीन काल में आदिमानव जो है वह सांकेतिक भाषा का उपयोग करता था ताकि वह अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त कर सके. लेकिन सांकेतिक भाषा की अपनी सीमाएं थी. धीरे धीरे मानव जाति के विकास के साथ साथ भाषा का विकास भी होता चला गया और मनुष्य ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना शुरू किया होगा. इस हेतु उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले सभी सजीव और निर्जीव सभी प्रकार की वस्तुओं के नाम रखने शुरू किए, जैसे कि पेड़, नदी, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि. तो बच्चों, मौखिक भाषा की शुरुआत के साथ ही संज्ञा शब्दों की शुरुआत भी हुई होगी. आपने छोटी कक्षाओं में संज्ञा के बारे में पढ़ाई है. पहले आप नाम वाले शब्दों के रूप में जानते थे नाम, अब जो है हम इसे संज्ञा शब्दों के रूप में पढ़ेंगे. नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं. संज्ञा को परिभाषित करते हुए हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. उससे मैं बोल रही हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. हिंदी में संज्ञा के मूलतः तीन भेद माने गए हैं. पहला स्थिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा. पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष का अर्थ है खास, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे मनुष्यों के नाम राधा, किशोर, श्याम आदि, क्योंकि ये खास व्यक्तियों के नाम है इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है. इसी प्रकार से स्थानों के नाम दिल्ली, आगरा, भारत, जापान आदि, क्योंकि ये स्थानों के नाम है, विशेष स्थानों के नाम है इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाती है. पुस्तकों के नाम रामायण, गीता, महाभारत आदि, क्योंकि ये खास पुस्तकों के नाम है इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं. दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आदि. तो इस तरह से ये संज्ञा के तमाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं. इसी प्रकार से दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा.
शब्द संपूर्ण समूह या संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि व्यक्तियों के नाम, लड़का, लड़की, भाई, बहन, माता, पिता आदि। पशु पक्षियों के नाम, गाय, तोता, कबूतर आदि। इसी प्रकार से स्थानों के नाम, स्कूल, बगीचा आदि। वस्तुओं के नाम, पंखा, मेज, टेबल, कार, बस आदि। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर ही जातिवाचक संज्ञा के दो अन्य भेद भी बताए गए हैं। पहला इसमें है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ और द्रव्यवाचक संज्ञा का अर्थ हुआ वे जिन शब्दों से हमें द्रव्य या पदार्थ का बोध हो। अब द्रव्य और पदार्थ क्या है, उदाहरण देखते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, प्लास्टिक, पेट्रोल आदि। दूसरा इसका भेद माना गया है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा समूह का बोध कराने वाले शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जैसे कि भीड़, झुंड। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं, जैसे हंसी, वीरता, बचपन आदि। तो इस तरह से संज्ञा के भेद हमने पढ़े। अब हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना सीखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द जो है वह कुछ तो मूल रूप से पाए जाते हैं, लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों को हमें बनाना पड़ता है। ये चार प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों से शत्रु, शत्रुता, मानव, मानवता, ठग, ठगी, आदमी, आदमिया। दूसरा है विशेषण शब्दों से मधुर, मधुरता, मोटा, मोटापन, गरीब, गरीबी, बूढ़ा, बुढ़ापा। सर्वनाम शब्दों से निज, निजत्व, स्व, स्वत्व, अहम, अहंकार। चौथा क्रिया शब्दों से जैसे पढ़ना, पढ़ाई, बनना, बनावट, धोना, धुलाई, थकना, थकावट। बच्चों अब हम संज्ञा और उसके भेदों से संबंधित जुड़े एक एक्टिविटी करेंगे। संज्ञा के भेदों के कुछ से संबंधित कुछ नाम मैं बताऊंगी और यही जो है इसे हम पहचान करके उचित जगह लगाएंगे। जैसे कि वीरता, क्योंकि यह भावों से संबंधित है इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा शब्द में लगाएंगे। दूसरा है हरियाली। हरियाली शब्द भी भाववाचक संज्ञा शब्द से संबंधित है इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा शब्दों की जगह लगाएंगे। राधिका, राधिका क्योंकि यह एक नाम सूचक शब्द है, नाम को दर्शा रहा है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हुआ, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर लगाएंगे। फिर है रोहन। रोहन शब्द भी नाम से संबंधित है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हुआ, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर लगाएंगे। फिर है जैसे लड़का। लड़का शब्द क्योंकि जाति सूचक शब्द है इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा शब्द के रूप में लगाएंगे। फिर है आगरा, क्योंकि यह स्थान को दर्शा रहा है इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। सुंदरता, क्योंकि यह भावों से संबंधित है इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा के रूप में लगाएंगे। गाय, क्योंकि यह संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला शब्द है इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा शब्द में लगाएंगे। तो बच्चों आज हमने संज्ञा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे।